Welcome to the lecture number 2 of Introduction to Information Technology. आज का हमारा टॉपिक इन लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है. पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम्स हैव फोर पार्ट्स: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर. तो ये फोर पार्ट्स जो है कंप्यूटर के, वो यही होते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर. इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि हार्डवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा क्या है और यूजर क्या है, इनका रोल क्या है. हार्डवेयर जो है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस इन द कंप्यूटर, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड. सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड इज कॉल्ड हार्डवेयर. मैकेनिकल डिवाइसेज इन द कंप्यूटर भी कह सकते हैं. इन दोनों में से कोई भी वर्ड लाइन आप यूज कर सकते हैं हार्डवेयर के लिए. सॉफ्टवेयर क्या है? टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. क्या हम एक इंस्ट्रक्शन है सॉफ्टवेयर कि हमने क्या करना है. ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी कहते हैं. थाउजेंड ऑफ प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर में थाउजेंड ऑफ प्रोग्राम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्मॉल पीसीज ऑफ रॉ डेटा, जो रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम डेटा कहते हैं. उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा, तो उस डाटा को जो कि ऑर्गेनाइज हो और प्रेजेंट किए, प्रेजेंटेबल हो, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो डेटा के बारे में आप सिंपल कह सकते हैं कि डेटा 0-1 की फॉर्म में होता है हमारे पास कंप्यूटर में, तो इसको मजीद हम प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. यूजर्स कैपेबल ऑपरेटिंग द सिस्टम. कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक पर्सन चाहिए, यूजर चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मोस्ट में जब तक वो नहीं होगा तो उसका बनाने का फायदा नहीं है कंप्यूटर को, क्योंकि इसके यूजर्स नहीं. हर चीज को जब तक फायदा तब होता है जब उसका यूजर हो. टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और वो इनपुट देता है यूजर के वो क्या रिक्वायर्ड है, और कंप्यूटर को उसके जवाब में आउटपुट देता है. स्टेप्स फॉलो टू प्रोसेस डेटा. तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम स्टेप्स फॉलो करते हैं. इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है उसकी, और फिर उसके बाद आउटपुट मिलती है, और फिर स्टोरेज. फिर हमें उसको स्टोर करना हो तो हम स्टोर कर देते हैं, अगर ना करना हो तो नहीं करते. तो ये चार प्रोसेस हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में. ये प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करने की, इनपुट, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज. स्टोरेज भी प्रोसेस डेटा का हिस्सा है. कंप्यूटर यूज द सेम बेसिक हार्डवेयर. हार्डवेयर ऑर्गेनाइज इंटू फोर टाइप. हार्डवेयर के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड उसको हार्डवेयर हम कहते हैं. मैकेनिकल डिवाइसेस को हार्डवेयर कहते हैं. इसमें हार्डवेयर को चार टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. प्रोसेसिंग डिवाइसेस, नंबर वन हार्डवेयर में ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर को प्रोसेसिंग डिवाइसेस को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम. प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, मैनिपुलेट द डेटा. मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेवरल प्रोसेसर्स. प्रोसेसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस में तो सेकेंडरी प्रोसेसर्स भी यूज होते हैं, और प्रोसेसर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर. तो ये प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो हमारे पास हार्डवेयर, और उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टीपल आईसीज होते हैं, मल्टीपल सर्किट्स होते हैं, जिसको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे, और ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाते हैं. हार्डवेयर का दूसरा टाइप जो है वो मेमोरी डिवाइसेज है. मेमोरी डिवाइसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्डवेयर है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेमोरी डिवाइसेज हमारे पास होती हैं जिस स्टोर्स डाटा करती हैं, और प्रोग्राम्स रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम हम कहते हैं, ये वोलाटाइल होती है, और स्टोर्स करंट डाटा एंड प्रोग्राम. यानी कि वोलाटाइल का मतलब ये कि जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है या हमारा सिस्टम ऑन होता है, ये मेमोरी रहती है, उसके बाद ये वैनिश हो जाती है. और स्टोर्स करंट डाटा एंड प्रोग्राम्स, और मोर रैम रिजल्ट इन अ फास्टर सिस्टम. जैसे ही रैम हम इंक्रीज करते रहते हैं सिस्टम इंक्रीज हो गया कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है. रीड ओनली मेमोरी में हम रोम कहते हैं. परमानेंट स्टोरेज ऑफ द प्रोग्राम. ये परमानेंट स्टोरेज इज फॉर द कंप्यूटर बूट ट्रेड डायरेक्शन. कंप्यूटर की स्टार्टिंग में भी इसका बड़ा अहम रोल होता है. तो बूटिंग में आप कह सकते हैं बूट डायरेक्शन में भी यूज होती है. तो मेन है ये परमानेंट स्टोरेज है, और वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है. रैम और रोम में अक्सर फर्क आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए.
तीसरा टाइप जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा कीबोर्ड माउस, और आउटपुट डाटा जो होता है डिवाइसेस डिलीवर डाटा मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर, सब डिवाइसेस आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आई थिंक टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट दोनों होती हैं। इनपुट और आउटपुट और भी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन इन्होंने मेन मेन डिवाइसेस लिखी हैं जो कि आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस का में का पार्ट है। फोर्थ पार्ट है इसका स्टोरेज डिवाइसेस। पहले हमने मेमोरी डिवाइसेस पढ़े थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेमोरी डिवाइसेस, ये भी आ सकता है। 1.2 पे हमने मेमोरी डिवाइसेस पढ़े। हम स्टोरेज डिवाइसेस में क्या है जी, होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, डिफरेंट फ्रॉम रैम, मैग्नेटिक स्टोरेज फ्लॉपी और दी हार्ड ड्राइव यूज द मैग्नेट टू एक्सेस डाटा, ऑप्टिकल स्टोरेज सी डी एंड डी वाई डी डिवाइसेज एंड यूज लेजर टू एक्सेस डाटा। तो ये सारी जो है फ्लैश हो गई, यूएसबी फ्लैश भी आनी चाहिए थी यहाँ पे। तो यूएसबी का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये रैम से डिफरेंट होती है और परमानेंटली होल्ड करती है डाटा को। तो स्टोरेज डिवाइसेस भी हार्डवेयर का हिस्सा है, जैसे कि हार्ड डिस्क जो हमारी होती है वो स्टोरेज डिवाइसेस में भी आ जाती है। टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्यों क्या करना, रीजन पीपल परचेज कंप्यूटर, टू टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मैक और लिनक्स एक्सपी 7 8, ये सारे जो हैं ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी एंटीवायरस भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एमसीक्यूज में ये सवाल आ जाता है अक्सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकम्पलिशेज आर सॉफ्ट स्पेसिफिक टास्क, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस, कवर मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, गूगल ड्राइव हो गई, गूगल कि आपने देख लिया कि जी मेल हो गया, बॉक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे पास क्या है जी, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। कंप्यूटर डेटा फैक्ट विद नो मीनिंग ऑन इट्स ऑन, कंप्यूटर डेटा का मैंने आपको बताया कि उसका अपना कोई मतलब ना हो, स्टोर यूजिंग द बाइनरी नंबर ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर्स को स्टोर करके बनाया जाता है, एंड डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन टू फाइल्स और फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सही सी बात है कि मीनिंग लेस डेटा हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर को यूज करते हुए बनाया जाता है। ये पहले भी हम इसको बात को डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉन अनऑर्गेनाइज डेटा या रॉ डेटा मटीरियल इज कॉल्ड डेटा। कंप्यूटर यूजर्स रोल डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, यूजर्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, सेटअप द सिस्टम, सिस्टम का सेटअप भी कर सकते हैं, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, मैनेज फाइल्स भी कर सकते हैं, मेंटेन द सिस्टम भी कर सकते हैं। कुछ यूजर ऐसे जिससे जो जस्ट इसको यूज करते हैं और कुछ करते हैं, विंडो भी कर सकते हैं, बाकी मामला भी कर सकते हैं, ये एबिलिटी पर डिपेंड करता है। यूजर लेस कंप्यूटर रन विद नो यूजर इनपुट, ऑटोमेटेड सिस्टम, जैसे कि सिस्टम अपडेट होना शुरू हो जाता है तो हमें यूजर लेस कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये आज का हमारा सेकेंड लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हमने कंप्यूटर्स के इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम देखा, और उसमें हमने देखा कि हाँ हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, यूजर्स क्या है, डेटा क्या है, हार्डवेयर बड़ा इंपॉर्टेंट था। हार्डवेयर में हमने देखा कि हमने हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें देखी, जैसे कि सिंपल हार्डवेयर में हमने पहले प्रोसेसिंग डिवाइसेस देखी, उसके बाद मेमोरी डिवाइसेस देखी, उसके बाद हमने स्टोरेज डिवाइसेस देखी। इसी तरह सॉफ्टवेयर में हमने क्या किया जी, सॉफ्टवेयर में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में फ़र्क को देखा। तो उससे पहले हमने डिवाइसेस मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में और मेमोरी डिवाइसेस में फ़र्क देखा। तो ये सारा आज के लेक्चर की समरी है।